लॉकडाउन कोई समस्या नहीं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर इस लॉकडाउन में आप परेशान हो रहे हैं कि भाई ये लॉकडाउन लग गया है, अब इस लॉकडाउन में क्या करें, तो आप जैसी कहें ना क्या करें, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहीं पर। दोस्तों लॉकडाउन कोई आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कोई समस्या है ही नहीं, स्टूडेंट्स के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। एक ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे दोस्तों, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय पर जब भी देश में लॉकडाउन लगता है, अब तक दो बार लॉकडाउन हो चुका है, जब भी देश में लॉकडाउन होता है तो दोस्तों सब कुछ बंद कर दिया जाता है। ना तो कोई वैकेंसी आती है, ना कोई कॉलेज चलता है, ना कोई संस्था चलती है, ना कोई कंपनी चलती है, ना कोई डिपार्टमेंट चलता है और ना कोई काम करता है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई आपका दिमाग ख़राब हो गया है कि आप ये सब बंद होने पर भी आप इसे अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। तो दोस्तों ये से मैं अपॉर्चुनिटी इसलिए कह रहा हूँ कि सब कोई सोए हुए हैं। अगर आप इस समय पर जाग जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। दोस्तों कभी कोई इंसान कब जीत सकता है, या तो किसी से वो आगे निकल जाए, इतनी मेहनत करे कि वो इससे आगे निकल जाए। अगर कोई 15 घंटे मेहनत कर रहा है तो आप 18 घंटे मेहनत कर सकते हैं तो फिर आप आगे निकल सकते हैं। या फिर कोई इंसान रुक जाए और आप मेहनत करते रहें तो फिर आप जीत सकते हैं। तो वो ही हुआ है लॉकडाउन में और वो ही होता है, यही है आपकी अपॉर्चुनिटी। दोस्तों इस समय हर कोई इंसान सोया हुआ है, हर कोई इंसान रुका हुआ है, हर कोई इंसान खाने और सोने और टाइम पास करने में निकाल रहा है इस टाइम को। दोस्तों अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है। अब दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इस समय पर दोस्तों जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे एक ही डायलॉग है, उनके पास एक ही वो गीत को रट कर बैठे हैं, वो ये है कि भाई हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ना तो कोई पेपर है, ना कोई वैकेंसी है, ना कुछ है, करें तो करें क्या। अगर भाई पेपर वैकेंसी नहीं है, जिन भाइयों की भी तैयारी है, जो भाई अगर 100 का पेपर है अगर वो 90 अटेंड करते हैं, 90 नंबर उसमें ला सकते हैं, तो उनके लिए ये रोना है, उनके लिए ये हकीकत में रोना है। लेकिन पर जिनके भी नंबर 100 नंबर का पेपर है और आ रहे हैं 50 नंबर, पेपर में आते हैं 50 नंबर, अगर वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, करें तो करें क्या, इस समय खाले बैठे बैठे टाले करें क्या, क्या काम है, बहुत बुरा हो रहा है हमारे संग, तो फिर आपके साथ क्या बुरा हो रहा है। अगर आपके लिए फिर से अगर वैकेंसी, कल वैकेंसी आती है, अगर आपके 50 नंबर आए तो फिर से भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। लेकिन पर आपके लिए अगर इसे अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं तो जो बंदा 90 नंबर लाने वाला है वो इस समय रुका हुआ है, वो इस समय सो गया है, अगर आप इस समय जाग कर आप फिर तैयारी करें तो आप इस समय बिल्कुल, ना तो आपके पास एग्जाम का प्रेशर है, किसी भी एग्जाम का प्रेशर नहीं है, आप उन 40 नंबर के लिए आप मेहनत कर सकते हैं कि आप गलती कहां पर करते हैं, आपको क्यों वो 40 नंबर नहीं ला पा रहे हैं जो कि दूसरा बंदा ला रहा है। दोस्तों इसे मैं आपको एक कहानी से आपको बताता हूँ, जो कि एक कछुआ और खरगोश की। दोस्तों बहुत ही फेमस ये कहानी है, आप सभी ने सुनी होगी। इस कहानी में जो है एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है। दोस्तों जो खरगोश होता है, उन दोनों की रेस में जो खरगोश होता है वो कहता है कि मैं तो इससे कई गुना तेज भागता हूँ। तो वो इसी वजह से क्या होता है कि वो एक भागता है पहले एक दो किलोमीटर, और भागने के बाद वो रुक जाता है और सोता है कि इतनी तेज में इतनी जल्दी पार आ गया, इतनी 2-3 किलोमीटर कछुआ क्या रेंगता आ रहा होगा, लग जाएगा उसे शाम, आने दो जब तक मैं सो लेता हूँ। वो सो जाता है और सोता रहता है और कछुआ अपनी चाल चलता रहता है।
कछुआ वो है जो कि 50 नंबर वाला और कंटिन्यूस मेहनत कर रहा है। अगर आप वो इस समय लॉकडाउन के खरगोश समझ रहा है, लॉकडाउन लग गया है तो खरगोश गया है इस समय सो। अगर आप कछुआ बनकर आप अपनी तैयारी करते रहते हैं तो आप रेस जीतने के आपके बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो आपकी कमी है कि आप तेज नहीं भाग सकते हैं। आपको टाइम मिलता है तो आप पार तो कर जाएंगे, आप 100 किलोमीटर चल सकते हैं, कितनी भी टाइम चल सकते हैं आपको टाइम मिले तो। लेकिन पर आपको वो टाइम मिले कब? अब वो आपको टाइम मिला है दोस्तों, ये आज से पहले कभी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लोग चाहते हैं कि सब कोई रुक जाए, हर चीज़ रुक जाए और मैं बढ़ता रहूं, वही टाइम इस समय चल रहा है। आप कछुए की तरह अगर लगे रहते हैं तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे इस समय पर दोस्तों। अगर आप दूसरा और ये देखें कि अगर आप किसी भी चीज़ में कमज़ोर हैं, आपको कोई चीज़ ऐसी जो कि परेशान ज़्यादा करती है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आपके पास आपको इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश आपको परेशान करती है, आप हमेशा इंग्लिश में वीक रहते हैं, तो आप स्पेशल इस समय इंग्लिश पर फोकस कर सकते हैं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आपके पास इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछली बार जो दोस्तों जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे थे जो में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया था, इतना ज़्यादा बदलाव आया था कि कुछ सोच नहीं सकते हैं। घर ही घर में रहकर उन्होंने इतना भयंकर बदलाव दोस्तों देखा था। वो बदलाव क्या था? वो बदलाव ये था कि उन्होंने जो चीज उन पर नहीं आती थी वो उनको लॉकडाउन के बाद जब मिले तो वो उनको आने लग गई। अगर किसी बंदे पर इंग्लिश नहीं आती तो वो इंग्लिश सीख गया, अगर किसी पर कंप्यूटर नहीं आता तो वो कंप्यूटर सीख गया, किसी को अगर बिजनेस सीखना है, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता तो उसने बिजनेस सीख लिया। दोस्तों सब कुछ आपके पास है, अब तो ये ऑनलाइन है, आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके घर है। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा जरूर उठाएं। आपको जो भी, अगर आप बेरोजगार हैं और आप सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से आप कमा सकते हैं, आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप कमाने के बहुत सारे तरीके सीख सकते हैं। दोस्तों आप इस समय यही नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब से ही कमाएं, गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। इस समय जो यूट्यूब है इससे भी बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप जो इंस्टाग्राम चलाते हैं उससे भी पैसे कमा रहे हैं, उससे देखें किस प्रकार से पैसे कमाए सकते हैं, फेसबुक से लोग पैसे कमा रहे हैं दोस्तों। हर जगह से पैसे आते हैं, आपको बस कमाना आना चाहिए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से पैसे ना आए, हर जगह से पैसे आते हैं, आपको कमाना आना चाहिए। अगर आप कमाना सीख गए तो आप हर जगह से पार हो जाएंगे। वो तरीका आप सीख सकते हैं, मेक मनी ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन पर अगर आप सोते रहेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है, आप भी रोते रहेंगे आप हमेशा। अगर आप जाग गए और आपने इस अपॉर्चुनिटी का कोई पता नहीं है ये कब अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए, मैं इसे अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ, लॉकडाउन खत्म होना अपॉर्चुनिटी खत्म होना है। अगर 1 महीने का भी लॉकडाउन तो 1 महीने में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, 1 महीने में काया पलट हो जाती है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप समझ जाए दोस्तों, उस टाइम को बेकार ना जाने दें। एक एक मिनट आपके लिए पूरी दुनिया रुकी और आप जाग जाएं। आप इस समय अगर जाग जाएं तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आपको मिल जाएगी, आप कितना बड़ा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को ना खोएं दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को समझो, जागो और भागो, इसके पीछे भागो दोस्तों। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास टाइम है, आप हमेशा रोते थे टाइम के लिए, अब आपके सामने एक बार टाइम आया था पिछले के लॉकडाउन में और इसके बाद फिर आपके लिए टाइम आया है। भागो भागो दोस्तों भागो, जागो और भागो।